वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ, माशाल्लाह आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट डे हमने गुजारा मुल्तान में, आज हम नेक्स्ट डे निकले हैं सवात के लिए। तो यहाँ पे कुछ हाईवे पे धुन वगैरह है, तो इसलिए हम 2 घंटा डिले हो गए, जिसकी वजह से जो ना हम थोड़ा लेट निकल सके। फिर नाश्ता वगैरह किया, तो अब ये हम हाईवे पे चढ़े, तो इंशाल्लाह 8 से 9 घंटे में हम सवात पे होंगे। बाकी अल्लाह मालिक अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, अभी लंच के लिए हम रुके हैं, और अभी ये देखें, ये चनोट कहलाता है ये रास्ता, ये चनोट है। यहाँ का फर्नीचर काफ़ी मशहूर है, लेकिन ये है कि बहुत दूर है, वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन हम अभी लंच के लिए रुके हैं। इससे अब जो ये खाना लग रहा है, यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं। ओके, अगर आपको दिखे ये मशीन है, ट्यूबवेल टाइप, ये इन्होंने नहर बनी हुई है। सुकून माहौल फ्रेंड्स, खाना वगैरह हम खा चुके हैं, और थोड़ी सी मातरत के वो उस वक्त मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, रात को चार्ज मैंने किया नहीं, उसके लिए सारा दिन थोड़ी सी परेशानी रही। तो इस वक्त ज़रा खाने के टाइम पे मैंने चार्ज पे लगाया मोबाइल, तो इस वजह से खाने की वीडियो नहीं बना सका। तो बहरहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये चनोट से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ये
ये है ये जगह है, तो जफर भाई ने जो ना काफ़ी हमारा साथ दिया और एक मैं आपको दिखाता हूँ। जफर भाई ये जफर भाई हैं मज़र ये मज़र जी। हाँ जी, इन्होंने जो ना हमारा बहुत साथ दिया, बहुत ख्याल रखा। और मतलब भाई इस जगह को क्या कहते हैं? बरनाला शरीफ कहते हैं इसको, 103 नंबर है इस गांव का ना। अच्छा अच्छा जी, ठीक हो गया जी। ये चन्नौर से कितने पहले? 10 किलोमीटर चन्नौर आ गया यहाँ से। ठीक है जी, 10 किलोमीटर तक झुमरा है यहाँ से और 10 किलोमीटर चन्नौर है, सेंटर में हम बैठे हैं। अच्छा अच्छा जी, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। फ्रेंड्स ये थे मदर भाई, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया, हालांकि फर्स्ट टाइम मुलाकात थी। इन्होंने अपनी जगह पे हमें खाना खिलाया, खाना हमने वैसे तो जो है खाना हम लोग अपना बना के लेके आए थे, जो हैदराबाद से हमने अपनी कढ़ाई मुर्गी वगैरह बनाई थी, तो यहाँ गर्म की इन्होंने रोटियाँ बनाई, वो मैंने आपको दिखाए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सवाक के लिए। ओके दोस्तों।